अपने माँ बाप को सेवा नहीं कर पाए। हो सकता है आप आर्थिक रूप से कमजोर है, लेकिन उन्होंने ही आपको संसार में लाया है और उनके लिए हमेशा आपको जागरूक रहना है। हम पूरे बिहार में घूम रहे, देख रहे हैं, हमारा समाज बहुत गरीब है, पिछड़ा है, वो अपने कोशिश तो उसका बहुत है कि अपने परिवार को आगे लेके चले, लेकिन नहीं लेके जा पाता। इसलिए जब आपका बच्चा पढ़ लिख लेगा तो काबिल हो जाएगा। आज पढ़े लिखे लोग, आज मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, जहां पे भी जाइए, उसका कम से कम नौकरी मिलेगा 15 से 20 हजार रुपया महीना, कम से कम नौकरी होगा 15 से चालू होगा। लेकिन वही पढ़ा लिखा नहीं है तो उसका 7-8 हजार रुपया से नौकरी स्टार्ट होगा। जबकि पढ़ा लिखा आदमी हो या बेगर पढ़ा लिखा आदमी हो, खाना उतना ही खाएगा जितना पढ़ा लिखा खाएगा। यानी कि आपकी जिंदगी में खर्चा उतना ही है, लेकिन इनकम कम है, तो इनकम कम है तो कैसे घर चलाइएगा। आज हम देख रहे हैं बहुत सारे जगह पे हमारे लोग अपने बच्चे को इलाज नहीं करा पाते। आज इलाज के अभाव में हमारे लोग तरफ तरफ के मर जाते हैं। तो इसलिए अपने बच्चे को पढ़ाइए और संगठित रहिए। आपका देश में पहले राजा के घर में बच्चा जन्म लेता था तो उसका बड़ा बेटा को राजा बनाया जाता था, लेकिन 1947 के बाद हमें संविधान मिला लोकतंत्र में, जिसके पास ज्यादा वोट है वही व्यक्ति चुनेगा कि हमारे राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा और हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, हमारे लोकसभा क्षेत्र का सांसद कौन होगा, हमारे क्षेत्र का विधायक कौन होगा, हमारे पंचायत का मुखिया कौन होगा, हमारे वार्ड का सरपंच, वार्ड मेंबर कौन होगा। और आप सबको पता है कि जिनके पास ये पावर आ जाता है वो देखते हैं उसके पास कितना पावर होता है। आपके गांव में मुखिया होगा, सरपंच होगा, लेकिन जब वो जीत जाते हैं तो उनके पास एक स्पेशल पावर आ जाता है। या विधायक आ गया तो उनके पास पावर है, ये रोड बनाना तो बना सकता है। मुख्यमंत्री है तो उनके पास एक पावर है, वो जो चाहेगा वो कर सकता है पूरे राज्य में। अगर उनको लगेगा कि आपके गाँव में हॉस्पिटल खोलना है तो खोलवा सकता है, उनको लगेगा कि आपके गाँव में स्कूल खोलना है तो खोलवा सकता है, उनको लगेगा कि बिहार राज्य में 1 लाख लोगों को रोजगार देना है, नौकरी देना है, वो चाहेगा तो कल का कल वैकेंसी निकालेगा, रोजगार दिया जा सकता है, उनको नौकरी दिया जा सकता है। ये ताकत होता है आपके वोट में। लेकिन हम लोग 75 साल से इस वोट के लिए ताकत जो है उनसे हम लोग अनजान थे। और जब हमने आप फिर बिहार में आए 2014 में और आपके साथ मिलकर हम लोगों ने अपने वोट का ताकत समझा, वोट की ताकत समझने पे हमने सिर्फ 14 में बिहार में पैर रखा और 20 तक हमारे पास वोट की ताकत से, और वो वोट मेरा नहीं, वो आपके वोट की ताकत से बिहार राज्य में हमारी वो ताकत बन गया कि कह सकते हैं कि आजादी के 75 साल के बाद निषाद मल्ला का बेटा ने बिहार में मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। आपके सहयोग से बिहार में मुख्यमंत्री बनाया गया है। अगर मैं उस रोज नहीं चाहता तो बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ नहीं लेता, आज वो बिहार का मुख्यमंत्री नहीं होता। ये ताकत आपके पास हो गया। ये बात अलग है कि आपके घर में कोई डकैती कर ले, आपके घर में चोरी कर ले, उसमें आपका क्या गलती है। आज हमने बिहार में सरकार हमने बनाया, आज वही सरकार में तो हमको भगा दिया। आज हमने ये मौका तो हमको भी मिला था कि नीतीश कुमार जी को भगा के तेजस्वी को साथ लेके उनको सीएम बना देते, मैं डिप्टी सीएम बन जाता, लेकिन हमने गलत नहीं किया। लेकिन उसने क्या किया, हमें सरकार से भगा दिया, हमारे विधायक को खरीद लिया, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि ये हमारे पार्टी को विधायक ने नहीं बनाया, हमारे पार्टी ने विधायक को बनाया। आज 4 गया है, आने वाले समय में 40 होगा। तो इसलिए अपने वोट के प्रति जागरूक होइए। और आपके पास आपने कहा ना कि हिंदुस्तान में पहला ऐसा राज है कि निषाद का बेटा ने एक मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है, और आने वाले समय में भी हम लोगों का प्रयास यही रहेगा कि अपने लोगों को मुख्यमंत्री बनाए। इसलिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, और बड़े लोगों से जब लड़ाई लड़िएगा, बड़े शक्तिशाली लोगों से लड़ाई लड़िएगा, तो आपकी जिंदगी में बहुत कष्ट आएगा, बहुत सारा तकलीफ होगा, आपको जान भी गंवाना पड़ेगा, लेकिन वो डरिए नहीं,
आज जो आप और हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, हमारे आने वाला पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ये सोच के चलना है। ये सोच के मत चलिएगा कि मुकेश सहनी के साथ रहेंगे हमको रसगुल्ला और लड्डू मिलेगा। हमारे साथ रहने से रसगुल्ला लड्डू नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, लेकिन निश्चित तौर पे मेरे साथ रहिएगा तो आपके आने वाला पीढ़ी को महल मिलेगा, महल रसगुल्ला भी मिलेगा और खाना भी मिलेगा और इस राज्य में राज करने का मौका भी मिलेगा। ये मैं आपको हमारे साथ आएंगे सब कुछ लोगों को फायदा मिल जाए वो बात अलग है, लेकिन मैं किसी से वादा नहीं करता हूँ कि मैं आपको विधायक और मंत्री बनाऊंगा और आपके करोड़ों रुपया दूंगा, ये नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इसके लिए जन्म नहीं लिया। अगर मैं इसके लिए जन्म लेता तो मैं मुंबई की जिंदगी जीता और बिहार लौट के नहीं आता अपने लोगों के हक अधिकार लड़ने के लिए। वहाँ बेहतर जिंदगी जी रहा था, लाखों करोड़ों कमा रहा था, लेकिन उसको छोड़कर मैं आपके बीच में आया। जब मैं आपके अपने लिए नहीं सोच सकता हूँ तो मैं आपके लिए क्यों सोचूं? अगर जब भी चाहता भाजपा का बात मान लेता और अपनी पार्टी को विलय कर लेता और भाजपा के हिसाब से मैं चलता, वो जो कहता वो मैं सुनता, उसका गुलाम बन जाता, तो आज मैं मंत्री बना रहता, आज मेरे पास सब तरह का सुखा पावर रहता। लेकिन जब मैं अपने लिए नहीं सोचा, जब मैं आज अपने लिए पसीना बहाने के लिए सोचा, अपने लिए मैंने सोचा कि मैं रोड पे उतर के संघर्ष करूंगा, जान रहे या ना रहे मुझे उसका परवाह नहीं है, तो भला मैं आपके लिए सोचूंगा, मैं आपके आने वाले पीढ़ी के लिए सोचूंगा, अपने आने वाले जनरेशन के लिए सोचूंगा कि आपके पीढ़ी आपके पूर्वज ने 75 साल से आपके पूर्वज के हाथ में हथकड़ी और पैर में बेड़ी बांध के रखा था और गुलाम बना के रखा था। हम लोग मिलकर 75 साल का इतिहास हमने बदला और हमारे हाथ से बेड़ी को तोड़ा, हम गुलामी की जिंदगी को छोड़कर बिहार में हम सरकार बन गए। हमारी आवाज को जिला तक नहीं पहुंचता था, हमारी आवाज को पढ़ना तो बहुत दूर की बात था और हमने आप लोगों के साथ अपनी आवाज को जिला क्या पटना क्या, हम पटना में सरकार बन गए और अपनी बात को मजबूती से रखने के काम करने लगे। और ये जो सरकार बना था वो एक पार्टी का सरकार नहीं बना था, वो चार पार्टी का सरकार बना था, यानी कि कह सकते हैं कि जो पटना में नीतीश कुमार जी की सरकार था वो चार पार्टी से, यानी कि हमारे पार्टनरशिप पे वो सरकार था। लेकिन कुछ लोग आज हम पे राज करने के लिए सोच रहा है, लेकिन हम लोग आने वाले समय में संघर्ष करेंगे और अपने आने वाले पीढ़ी के लिए बेहतर लड़ाई लड़ेंगे। आज कुछ लोग हम पे राज कर रहा था, लेकिन आज हम लोग अपने पैर पे खड़ा हो गए तो उसको बहुत तकलीफ हो रहा है, वो बहुत परेशान करेगा, हर तरह से परेशान करेगा आपको और हमको, लेकिन हम लोगों को डटे रहना है। और अगर आप और हम जागरूक नहीं होंगे तो आने वाला पीढ़ी जो है वो आपको और हमको माफ नहीं करेगा, क्योंकि वो कहेगा कि आपको अगर हमारे लिए लड़ाई नहीं लड़ सकते थे, हमारे लिए घर नहीं बना के दे सकते थे, तो आपका क्या अधिकार है कि इस धरती पे हमको जन्म देने का, ये सवाल करेंगे और वो उसका सवाल वाजिब होगा। अगर आप अपने बच्चे को बेहतर भविष्य नहीं दे सकते हैं, बेहतर घर नहीं दे सकते, बेहतर उसको पढ़ा लिखा नहीं सकते हैं, तो क्या जरूरी है आपको बच्चे को जन्म देने का? आप मत दीजिए। किसी बच्चे ने अपने माँ बाप को लेटर लिख के नहीं कहता है कि पिताजी मम्मी हमको जन्म दीजिए, आप अपने स्वार्थ के लिए अपने बच्चे को जन्म देते हैं, ये सोचते हैं कि आपका अपना रहेगा, अपना परिवार होगा और ये आपका आने वाला बुढ़ापा का सहारा होगा। लेकिन उसको क्या, उनके लिए आपको भी तो कुछ करना रहेगा, उसके लिए आपको पढ़ाना लिखा होगा, उसको काबिल बनाना रहेगा, आप उनके लिए लड़ाई लड़िएगा और जिस रोज उनको पढ़ा लिखा के काबिल बना दीजिएगा तो वो अपने बच्चे के लिए पढ़ा लिखाई करेगा, काबिल करेगा। आज देखिए हर जाति समुदाय के लोग कितना आगे निकल चुका है और हम कहाँ हैं, लोग जान के घर बना रहा है लेकिन इस धरती पर हमारे लोगों के लिए घर नहीं है। आज आपका कौन सुन रहा है? आपके झूठा केस में थाना में बंद कर देता है, आपको कोई पैरवी नहीं है। अभी हम वैशाली में जा रहे हैं, वहां पे हमारे समाज के बच्चे को मार के उसको गाछ में लटका दिया और उसके परिवार के बच्चे लोग विरोध किया कि हमारे भाई को क्यों मार दिया।
और उस परिवार के चार महिला को जेल में बंद कर दिया। मैंने एसपी से डीएसपी से बात किया, भाई पूछ लिया तो विरोध कर रहा था। अरे महिला, उसका इतना भी अधिकार नहीं है कि तुम उसके बच्चे को मार दिया और वो अपने बच्चे के लिए, भाई के लिए विरोध भी नहीं कर सकता है? और विरोध किया उसका ये मतलब है तुम जेल में डाल दिया? ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर को सही करने के लिए 2 घंटा 4 घंटा आप उसके ऊपर सख्ती रख के 6 घंटा बैठा कर रख दीजिए, उसको भयभीत कीजिए, डराइए, लेकिन इसका यह मतलब थोड़े है उसको आप जेल भेज दीजिएगा। जेल भेज दिया। अब बताइए यहाँ पे लोग इस तरीके से सोच रखता है, इसके लिए किसको लड़ना पड़ेगा? एक छोटा छोटा आपका पैर भी नहीं होता है। आप समझ सकते हैं कि आपके लिए कितनी लड़ाई है। हमारे पूर्वज को कभी जमीन खरीदने की आवश्यकता नहीं था, क्योंकि हमारा पूर्वज मछली मार के अपना घर परिवार को चलाता था, क्योंकि वो कहीं पे भी, कहीं खत्ता में, कहीं पे पोखर में, कहीं झील पे जाल घुमा के फेंक दिया, मछली निकाल के ले आया, खुद खाया और बेच के अपने घर परिवार को चलाया। लेकिन आज आपको पता होगा जितने भी तालाब है, नदी, नहर सब सूख चुका है, जलस्तर नीचे चला चुका है। जो कल तक जहाँ पानी लगा हुआ रहता था, जहाँ आपके पूर्वज मछली मार के घर परिवार चलाता था, आज वो सूख गया है। आज वहाँ पे लोग खेती कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या है? आपके परंपरा बिजनेस भी आपके पास नहीं है। आपके पूर्वज कभी जमीन खरीदने का कोशिश नहीं किया, क्योंकि मेरे पिताजी दादाजी के पास सिर्फ 16 फुट जमीन था और दादाजी के 3 बेटे, क्योंकि उनको कभी जमीन खरीदने की आवश्यकता नहीं था, क्योंकि उनको कभी खेती नहीं करना था। आज पूरे बिहार में निषाद समाज के पास जमीन नहीं है, क्योंकि उनको कभी खेती करना ही नहीं था, मछली मार के घर परिवार चलाना था। और आज नदी तालाब सूख गया है, आज वो क्या करेंगे? आज बिहार में एससी एसटी से भी नीचे निषाद समाज चला गया। आप गांव में घूमिए तो देखिएगा कि आपसे बेहतर जिंदगी कई कई गांव में पास पास समाज के लोग हैं, लेकिन आप उससे कमजोर हैं। आपको कहीं कहीं नजर आएगा कि यहाँ पे तो माझी समाज हमसे ज्यादा मजबूत है, उससे कमजोर आप है। आज पूरे बिहार में 1 कलेक्टर आपको आपके जात का नहीं मिलेगा। तो इसके लिए साथियों संघर्ष करना पड़ेगा। इस देश को आजादी के लिए भी बहुत सारे लोगों ने कुर्बानी दिया। भगत सिंह जी ने फांसी पे चढ़ गया, उसको ये खुशी हुआ था कि हमारे लड़ाई से ये देश आजाद होगा। आज मैं भी हर वो काम कर रहा हूँ, हर तरह से मुझे लोग परेशान कर रहे हैं, लेकिन मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ मुझे पता है कि 2 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल लगे, पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे बिहार नहीं, पूरे हिंदुस्तान में निषाद समाज का झंडा बुलंद होगा और निषाद समाज आएगा, अपने पैर पे खड़ा होइएगा और मजबूती से सत्ता पावर आपके पास आएगा और आपके लिए बोलने वाला लोग भी पटना में बैठेगा। आज मैं काम कर रहा था निषाद समाज के लिए, देखा कि मुकेश सहनी पूरे बिहार में तालाब है, उसको अतिक्रमण किया जा रहा है। अगर उसको मुक्त करा दिया जाएगा तो मुकेश सहनी हीरो हो जाएगा। पूरे बिहार में घर बनाने का निर्णय ले रहे थे, सोचा कि ये कर लेगा तो हीरो हो जाएगा। तो मुझे सिर्फ काम करने के लिए रोकना था, उसको हमें हटाने का सिर्फ एक ही कारण था कि मुकेश सहनी अपने समुदाय के लिए, अपने लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा काम ना करे। जब सरकार बना तो नीतीश कुमार जी से बैठे और हमको हमने कहा कि 7 निश्चय 2 के तहत ये हमारे विभाग को भी जोड़ दीजिए, ताकि 7 निश्चय 2 में स्पेशल पैकेज होता है जो विभाग को खर्चा करने का मौका मिलता है। और फिर नीतीश कुमार जी ने हमारे विभाग को जोड़ दिया 7 निश्चय 2 में और 500 करोड़ रुपया अतिरिक्त हमारे विभाग को दिया गया कि आप खर्च कीजिए। अब वो पैसे तो हम पूरे बिहार में मछली बाजार बनाने के लिए जा रहे थे और उसके लिए हमने पूरे बिहार में मछली बाजार के लिए 100 करोड़ रुपया हमने खर्च भी कर दिया। तो ये सब मैं काम कर रहा था और ये क्यों हुआ? क्योंकि आप पार्टनर थे, आपका बात ऐसा मान ही नहीं सकता। अगर नहीं बात मानता तो सरकार गिर जाता, तो आपका बात माना। इसलिए आने वाले समय में अपने वोट के प्रति जागरूक रहिए, अपने समाज के प्रति जागरूक रहिए, हर जाति धर्म के बीच में हर किसी से दोस्ती बनाइए, किसी से हमें लड़ाई क्यों लड़ना है? 70-80 साल की जिंदगी मिला है, 70-80 साल में जितना हो सकता है उतना भाईचारा बना के रखिए, हर जाति धर्म से जुड़ के रहिए। कुछ लोग नफरत की राजनीति करेंगे, वो धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, आपको लड़ाएंगे, हिंदू मुसलमान में लड़ाएंगे। हमें क्यों लड़ना है? हमें तो अपने अधिकार के लिए लड़ना है।
कुछ लोग उसको लड़ा के उसको फायदा मिलेगा, कुछ लोगों को आपको गुमराह के फायदा मिलेगा। हम उससे भटकना नहीं है, हर जाति धर्म को हमें सम्मान देना है, चाहे वो मुसलमान हो या कोई अन्य समाज, चाहे क्रिश्चियन हो या अन्य जाति के समाज के लोग हो, हर किसी को सम्मान देना है। और जब तक आपको कोई छेड़े नहीं तब तक उसको कुछ नहीं करना है, और जब आपको छेड़े तो उसको छोड़ना भी नहीं है, चाहे वो जो भी हो उसको छोड़ना नहीं है। ये नीति के साथ चलना है। आज हम ईमानदार थे लेकिन ये भाजपा वाले ने हमको छेड़ दिया है, और जब छेड़ दिया है तो 2024 में उसको छोड़ना नहीं है, उसको बता देना है कि बिहार समाज का आज वर्षों के बाद निषाद समाज के लोगों को एक उम्मीद आया, एक आशा विश्वास सका कि हमारा भी अपना दिन आएगा, हमारे समाज में भी नेता बना है, हमारा अपना मंत्री बना है, अपना पार्टी बना है, हमारा अपना विधायक बना है, हम लड़ाई लड़ेंगे। वर्षों बाद ये सपना जाहिर हुआ है, और ये सपना को कुचलने वाला काम तो उसने किया, ये भाजपा वाले ने अपने पैरों तले निषाद का सपना को कुचलने का काम किया। हम समय आ गया है कि 2024 में जो निषाद का सपना को पैरों तले कुचला है, ऐसे पार्टी को निषाद समाज अपने पैर के नीचे कुचलने का काम करेगा। ऐसे बात जब मैं आया हूँ यहाँ पे तो इस तरीके का बात नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या कीजिएगा, आज यज्ञ भी हम किस लिए कर रहे हैं, हमारे कल्याण के लिए कर रहे हैं, और जो मैं बात कह रहा हूँ वो भी आपके कल्याण की बात हो रहा है। अगर मानिएगा तो देव, नहीं तो पत्थर। आज अगर आप अगर इस बात को समझिएगा तो जो मैं कह रहा हूँ वो भी कल्याण की बात कर रहा हूँ, और जो यहाँ पे हम लोग बैठे हैं हम कल्याण की बात कर रहे हैं, हमारे गाँव में अच्छे रहे, भाईचारा बना रहे, हमारे गाँव में किसी का नजर ना पड़े, हमारे भारत में अच्छे से हमारे लोग खुशहाल रहे, इसलिए हम लोग यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, हवन करते हैं कि कहीं पे कुछ गलत ना हो जाए, अनहोनी ना हो, हर किसी का इस तरीके से करते हैं। उसी तरीके से आप लोगों को रहना है, और आपने दिखा दिया पोषा में आपके पास क्या ताकत है, आपको हटाने के बाद उसको काम समझ में आ गया। जो सीट हम 12,000 से जीते थे वो सीट उससे 38,000 से हारा, आप समझिए कि आपके पास ताकत क्या है। चार पार्टी मिल गया, एनडीए पूरी सरकार सत्ता पावर लगा दिया, उसके बाद कितना 45,000 वोट आया, और आप और हम मिल गए, हमारे पास कोई स्टार प्रचारक नहीं था, आप और हम मिल गए तो 30,000 वोट ले आए। अब बताइए तीन आदमी मिलकर चार बन जाते तो 1,20,000 होता, और वो चार आदमी मिलकर 45,000 वोट लाया, आपके पास क्या ताकत है। आपने मैदान में डट गए तो चुनाव वो हार गया, तो हमें हमारे खोने के लिए क्या था, हमारे लड़ाई लड़ने के अलावा क्या था, हमारे खोने के लिए क्या खो गया। हमने तो हारने के बाद भी मिठाई बांटे कि हमें पता है कि हम जीत गए, और भाजपा ने इतने शक्ति लगाने के बाद उस समय में अगर आप गोछा में घूमते तो आप देखने के लिए मिलता उस पंचायत में जितना कुत्ता नहीं घूमता था उससे ज्यादा भाजपा का नेता घूमता था, पूरे बिहार के नेता को उतार दिया, एक एक गांव में उतार दिया, एक एक विधायक को एक एक पंचायत में प्रभारी बना दिया, लेकिन वोट के सामने में कोई टीका नहीं है। इसलिए अपने वोट का ताकत बनाइए, दुनिया आपके सामने में झुकेगा, और जब तक नहीं झुकेगा तब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे, एक न एक झुकता रहेंगे। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे नेता है, आप सभी को यज्ञ में आए हैं, और मैं यज्ञ में ऊपर वाले से चाहूंगा कि आप लोगों का हम लोगों का मनोकामना पूरा हो, हम लोगों का भी अच्छा दिन आए। हमें किसी का अधिकार नहीं लेना है, हमें किसी को खून नहीं चूसना है, लेकिन हम अपना खून भी किसी को नहीं देना है, ये सोच रखना है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, पार्टी के सभी नेता और आप लोग सभी युवा साथी को। हर किसी को सनक बल्ला बनना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि मुकेश सहनी जात की बात करता है, जात की राजनीति करता है, हमें हर नेता को कहते हैं कि मैं जात की बात नहीं करता हूँ, निषाद समाज जो है वो मेरा अपना परिवार है, और मैं अपने परिवार के लिए काम करता हूँ, कोई गुनाह नहीं करता हूँ। हर एक व्यक्ति को अपने परिवार के लिए अपने समाज के लिए काम करना चाहिए, और वो गुनाह नहीं है। यादव है तो यादव भाई के लिए काम करना चाहिए, और देखिए ना लालू जी ने